ये बाबा ना होगी तो आप ना विशाल हाँ शान देखते सही है ये तो सभी जगह कही है।
हाँ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित है। अंकित साहब ये कई पुस्तकों से चल रहा है आपका? ये तो वैसे हमारी पुस्तैनी है और अब जो है इसकी जो चौथी या पांचवी पीढ़ी है कि जो अब हम ये सिलसिला जो है हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ अब हम तक आ पहुँचा है। और जिस दस्तक है हमारे बाप दादा जो है उनसे दिल से जो है मौला की मरीज मातम करते थे और बलिदान करते थे उसी तरह से हम लोग। जैसे आपने बताया कि पहले जो है वो उनको लगा कि वो जाके मातम करते थे, मातम करने के बाद उन्हें देख ताजिए के और अलम जो है वो कागज़ पे बना कर दी थी, तो किसी को पूरी बात देखिए बात यही थी कि जब ये पूरा हाथा और रस्ती कलाम का शुरू होता जब था तो उस समय से सामने से जो या हुसैन की सदाई आती थी, जब जो हमारे बाप दादा थे वो छोटे होते थे तो जब ये सदाएँ सुनते थे तो बड़े मतलब आप तो उसे दिल से उसे उन सदाओं को सुनते थे तो उन्हें भी शौक हुआ कि हम भी मौला की मातम करें। तो कमसनी का आलम था तो उन बच्चों ने जो है कागज़ के आलम बना कर जो है ताकि में रख कर जो पहले यहाँ पुराने खंडरात थे तो उन्हें ताकि में रख कर जो है उन्होंने मातम करना जो शुरू किया। तो जब हमारे परदादा ने देखा तो कहा इससे बेअदबी होती है, अगर तुम्हें इसको वाकई करने का शौक है तो जाओ उसकी दरगाह से कलम ले आओ, उससे आप बच्चों को पैसे दिए और फिर थे वो कलम जो है दरगाह से लाए गए फिर उठाते रख के जो है माता मंदिर शुरू की गई। उसी सिलसिले में जो है कुछ उनके मौजूदात ऐसे हुए कि भाई उनकी कलू से दिल और ज़्यादा जो है बढ़ गई और हमारे ऊपर दादा थे प्यारे लाल मतलब तो उन्होंने जो है ताज़िया बनाना शुरू किया। साल भर वो ताज़िया बनाते थे और साल भर ताज़िया बनाने मशरूफ़ रहते थे, मतलब आप नौकरी करके आते थे और ताज़िया बनाने में लग जाते थे, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था बस यही। और साल भर ताज़िया बना कर जब वो फारिग होते थे तो वो ताज़िया जो है मुहर्रम में पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ताज़िया बनते थे और उसकी मनीष मातम होती थी और फिर वो असरे के दिन तो ताज़िया उठाई जाती थी। बड़ी मतलब मशहूर ताज़िया थी कि प्यारे लाल की ताज़िया है और यहाँ हाथे के नवाब भी जो है उनसे 3,000 सिक्कों की पेशकश कर रहे थे चांदनी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मौला को भेजते हैं तो कहा दूसरी बना दो कि मुझे इसी ताज़िया में साल भर लगता है कि मैं दूसरी कैसे बना सकता हूँ। तो समझ लीजिए उन्हीं से उन्हीं का वसीला है कि उन्हीं से जो है अदारी हम तक आ पहुँची है और हम लोग भी भाई हैं मेरे ये ताज़िया बनाते हैं। कितने परिवार में लोग हैं आपके? हमारे परिवार में तो वैसे यहाँ पर जो इमामबाड़े के साथ में रहते हैं तो इमामबाड़े में देखिए तो हमारा परिवार है, 5 लोगों का परिवार है वही से करता है। इस वबा को देखते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ 5 ही लोग आ रहे हैं जो घर घर के लोग हैं। वैसे तो जब वबा नहीं थी तो ये इमामबाड़ा जो है मतलब लोगों से भरा रहता था, अब जो है सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर जो है 5 लोगों को देखते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ ही जो है यहाँ पर अलग आने को। तो अभी आप लोगों का क्या प्रोग्राम है, जो ताज़िया किस तरीके से 10 तारीख को उठाएंगे या जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी उसको देखते हुए सारा काम? देखिए काम तो वही है क्योंकि ताज़िया उठाना मतलब बड़े रूप से दिल का काम है और हम नहीं चाहते कि ताज़िया पर कोई हक आए। ये बेअदबी का सबब होगा कि अगर हम ताज़िया लेकर जाए और ताज़िये पे कोई हक आ जाए तो लिहाजा जैसे ही गाइडलाइन सरकार की होगी उसी तरह से हम जो है उसको काम करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इमाम हुसैन के ताज़िया पर से कोई बेहरमती हो सके। लिहाजा इस बात का ख्याल रखते हुए जैसी गाइडलाइन होगी उस आधार पर हम लोग काम करेंगे। वैसे तो हम बड़े मायूस हैं कि समझ लीजिए हमारे लिए भी बड़े मायूसी की बात है कि बस सब अफसोस की बात है कि इस वबा ने जो है इस शहर अज़ा की जो शान अज़ा थी उसको घटा के रखा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अज़ादारी पर कोई पाबंदी नहीं है। 5 लोगों के साथ ही सही कम से कम अज़ादारी तो हो रही है, बस यही है कि अगर सरकार एहतियात करे और अगर हम लोग जिस तरह से वो फैसला करती है और हुक्म जारी होता है ताज़ा निकालने का तो उसी शान से जो है ताज़िया जाएगी। तो इस मुहर्रम के बाद भी अदा खाना इसी तरीके से? हाँ यकीनन सवा दो महीना तो रहता ही है ये अदा खाना और उसी तरह से इस वबा को देखते हुए 5 सोशल डिस्टेंस के साथ और मास्क के साथ जो है यहाँ पर अदादारी होगी।